Starting with the second part, here in this one we have to simplify 256 power is minus 4 और फिर power के ऊपर भी power लगा हुआ है minus 3 over 2, मतलब power के ऊपर power नहीं है, 4 की power minus 3 by 2। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं जो पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें minus 4 दिया हुआ है ना, 4 को हम power में कैसे लिख सकते हैं, 2 का square, और दूसरी पावर क्या है उसकी, माइनस 3/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारी जो पावर है माइनस 2 की वो कितनी हो गई है, चेंज होके माइनस 3 हो गई। अब आपको पता है कि हम 2 की पावर मतलब माइनस 2 की पावर माइनस 3 को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, एक तरीके से क्या हो गया, माइनस 1/8 हो गया। कैसे हुआ, पहले तो इसको पॉजिटिव करो। देखो मैं आपको एक बार समझाती हूँ, माइनस 2 की पावर माइनस 3 है ना, इसको पॉजिटिव करा तो ये हो गया माइनस 2 की पावर 3। अब माइनस 2 की पावर 3 को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस 1/8। माइनस 1/8 की मतलब माइनस 1/8 वुड बी देयर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो 256 को हम छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, 1 पावर ऑफ दैट इज माइनस 1/8, 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास 2 की पावर माइनस 1, विच कैन बी रिटन एज 1 ओवर 2 की पावर 1, ठीक है। सो दैट वुड बी योर आंसर फॉर दिस वन।